सो हेलो गाइस, आ गए हम एक और नई वीडियो में। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि कंट्रोल कैसे बनाएं, तो इस वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि सेंसिविटी कैसे बनाएं। तो जिसने भी कंट्रोल वाली वीडियो नहीं देखी, जाके देख के आओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक ऐसे दे रखे हैं जो सेंसिविटी बनाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना और कोई स्टेप छोड़ना मत। आपको आपके हिसाब की सेंसिविटी पक्का मिलेगी अगर आप सारे के सारे स्टेप फॉलो करोगे। तो वीडियो पूरी देखना, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं। सो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो आपको सेंसिविटी में मिलेंगे तीन ऑप्शन, लो, मीडियम और हाई। सो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, लो सेंसिविटी गिव्स यू एक्यूरेसी और हाई सेंसिविटी गिव्स यू लेस रिकॉइल। सो ये मेन टॉपिक है। अगर आपको रिकॉइल में दिक्कत आ रही है तो अपनी सेंसिविटी हाई करें, अगर आपको एक्यूरेसी नहीं मिल रही, आपके शॉट ज़्यादा मिस हो रहे हैं, तो आप लो सेंसिविटी प्रिफर करें। लो सेंसिविटी में आपको सिर्फ मूविंग टारगेट को मारने में दिक्कत आएगी। तो मेनली इसमें तीन ऑप्शन है, कैमरा, ADS और जायरोस्कोप। तो कैमरा उसके काम आता है जब आप बिना फायर करें लेफ्ट राइट करोगे अपने थंब को, तो वो उसके लिए, जैसे अगर हमने 300 कर दिया तो यहाँ देखो। सो ADS इसके लिए है जब आप अपना फायर करोगे, तो फिर जब फायर करके जो सेंसिविटी काम आएगी वो ADS में आएगी। जैसे हमने एक कर दिया तो देखो हम मूव कर रहे हैं पर ये हो नहीं रहा। अगर हम इसको 300 कर देंगे तो देखो आप फायर करते समय कितनी जल्दी मूव हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। सो जायरो का तो आपको पता ही होगा, जो बिना थंब के मतलब फ़ोन को रोटेट करना पड़ता है आपको, तो ये उसके लिए है। अगर आप जायरो प्लेयर से, तो आपको ADS कैमरे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको गन लेके यहाँ पे आ जाना है और स्कोप लेके यहाँ पे आ जाना है। तो सबसे पहले आपको ये मूविंग टारगेट दिखेंगे, तो आपने इनको मारना है। सो अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो आप अपनी सेंसिविटी को जायरो से बढ़ाना, अगर आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो आप अपनी सेंसिविटी ADS में बढ़ाना। तो सबसे पहले आप एक टारगेट से दूसरे टारगेट में फायर करना, अगर आपको रिकॉइल ज़्यादा लग रहा होगा तो आप अपनी सेंसिविटी इंक्रीज़ करना 5 या 10%। अगर आपके शॉट्स मिस होंगे तो आप अपनी सेंसिविटी डिक्रीज़ करना 5 to 10% के बीच में। जायरो प्लेयर्स जायरो की सेंसिविटी करना और नॉन जायरो प्लेयर्स ADS की सेंसिविटी। तो आप अपने रेड डॉट और 2x की सेंसिविटी ऐसे ही ढूंढोगे अपने लिए, यहाँ पे जो परफेक्ट नंबर आएगा आप उसको रखना, जो आपको अच्छी लगेगी सेंसिविटी यहाँ पे बनाना। और सेंसिविटी बनाते हुए बिल्कुल भी स्टॉक का यूज़ मत करना, कोई भी स्टॉक मत करना, बस एक्सटेंड मैंग रखना। और यहाँ से आप मिड रेंज के लिए अपने ट्राई करना, मिड रेंज की सेंसिविटी बनाना। और थर्ड, आपको जब लॉन्ग रेंज की बनाओगे तो यहाँ से आके आगे के लिए स्प्रे देना और ट्राई करना। आपने ऐसे करते करते अपनी हर स्कोप की सेंसिविटी बनानी है 6x तक। ऐसे करते करते आपने अपना एक बेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है जो आपकी परफेक्ट सेंसिविटी होगी। सो उसके बाद आता है फुल 6x और 8x। तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि आपने उसकी सेंसिविटी कैसे बनानी है स्नाइपिंग के लिए। तो सबसे पहले 8x और 6x ले लेंगे हम, उसके बाद हम कोई से भी स्नाइपर उठा लेंगे। और उसके बाद आपने, अगर आप जायरो प्लेयर हो तो आप 25 से ऊपर बढ़ाओगे, और अगर आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो आप कैमरा की बढ़ाओगे और साथ में ADS की भी। सो फिर आप 6x और 8x की सेंसिविटी में 1, 2, 3 ऐसे करके बढ़ाओगे, 1-1%, 2-2%, तो जो आपको परफेक्ट नंबर लगेगा जिसमें आपका एम सीधा हेड में खुलेगा इन टारगेटों में, तो वो सेंसिविटी को आप परफेक्ट करना और देखना कि वो सेंसिविटी कैसी है। इसमें देख के, खोल के देखना कि हेड में जा रही कि नहीं, और ये जो रनिंग टारगेट है इन पर भी मार के देखना कि कौन सी सेंसिविटी ठीक लगेगी आपको। 25 से ऊपर बढ़ाते रहना, 1-1, 2-2 करके। सो गाइज, लाइक का बटन दबा के जाना अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो, और कुछ भी कमेंट कर देना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।